और वो किसी वजह से रद्द कर दी गई, तो फिर मेरे को ईदगाह जाके बस पकड़ो और फिर जाओ। वो भी 2 बजा देती थी। 2 बजे जब मैं घर जाता था तो कूलर में पानी डालना पड़ता था, 10-12 बाल्टी पानी डालो, उसके बाद चलो सोएंगे, लाइट चली जाती थी, मजा आ जाता होगा। एक आदमी सुबह 2:30 बजे उठा, रात को 2:30 बजे आ रहा मीटिंग करके, और लाइट चली गई, मच्छरों ने बोला आओ आओ, डिनन डिनन करते थे। 2 छोटे बच्चों को लेकर छत पे जाना, चटाई बिछाना, सोना, छत का गर्म रहना, बच्चों का चिल्लाना, हाथ के पंखे से हवा करना, पंखा करते करते ठान लिया था कि मैं ये जिंदगी नहीं जीऊंगा ना मेरे बच्चे जिएंगे। हेलो यस, अभी जितने भी रूम है सब में क्या लगा हुआ है? एसी। आवाज नहीं आ रही आप? एसी। एसी और लाइट की भी एसी की तेजी, क्यों? 24 घंटे की लाइट है जहां मैं रहता हूँ, वहां लाइट गई नहीं, हमें याद ही नहीं है वहां लाइट भी जाती है। हेलो यस, यहाँ रहता था बोला ट्रांसफार्मर फूक गया कि बदल रहे हैं कि 7 दिन लग रहे हैं, बड़ा पंगा था। वहां ट्रांसफार्मर पता नहीं है कि नहीं है, वो लाइट भी जाती है। यस नो यस। और जब एसी चलता है तो बच्चे एक बार सो गए तो सुबह उठते हैं, वहां जितनी बार लाइट जाती थी उतनी बार उठना पड़ता था। किसने बदला है सब कुछ? एक दुकान बदली, उसने मेरी जिंदगी बदली। आप बदल सकते हैं? यस। कितने? सभी? यस। सभी नहीं बदलेंगे सर, हमारे पास माल ही नहीं इतना, तो दुकान खाली हो जाएगा, हमें अपनी दुकान चलानी है भाई साहब, सारे एक साथ। हेलो, और क्या देता है बिजनेस, जानना चाहते हैं? यस। ये बिजनेस आपको नेशनल हीरो बना सकता है, सम्मान। अभी सतीश सर ने बोला सर पहली बार आए थे तो ये था, आज वो विजिटिंग लीडर है, अगली बार आएंगे तो पता नहीं क्या होंगे। किसकी वजह से? आरसी की वजह से। लाखों लोगों को रोजगार देने का अगर कोई देगा तो उस आदमी का सम्मान होगा या नहीं होगा? और मैं कौन हूँ रोजगार देने वाला? वो तो टीसी छावड़ा जिन दे रखा है, कोई मालिक की प्लानिंग है और उसमें मैं आ गया और ये शुरू हो गया। कितने लोग सम्मान चाहते हैं? बिल्कुल चाहते। इसमें भी सोच सोच के हाथ खड़ा कर रहे, ये गलत चीज तो नहीं पूछ रहा। हेलो यस। एक बच्चे को भी सम्मान चाहिए, उसके दोस्तों के सामने डांट के देखना तुम्हें कोने में हिसाब करेगा तुम्हारे साथ, ये मेरी कोई इज्जत है ठीक है। और अपनी मैडम को रिश्तेदारों के सामने डांट के देखना कोने में ले जाएगी, देख ऐसा कमरे में चाहे कुछ कर, सबके सामने अपनी भी क्या है। बड़े बूढ़ों को भी क्या चाहिए? दुआ सलाम चाहिए। यस एंड नो यस। और आरसीएम आपको थोक में देता है क्या? सम्मान। नेशनल हीरो बन सकते हो आप। पहले पलवल नहीं जानता था, अभी हिंदुस्तान जानता है। किसकी वजह से? आरसीएम। कर सकते हैं? यस। कर सकते हैं? यस। दूसरी चीज देता है समय। कितने लोग चाहते हैं समय की आजादी? यस। चाहते हैं? यस। पैसा और समय। पर कमाल की बात देखना, जिनके पास पैसा है उनके पास, और जिनके पास समय है उनके पास पैसा नहीं, क्योंकि ये दोनों एक मैदान में कहीं नहीं रहते। हाँ या ना? यस। होता है ऐसा? नहीं होता? यस। आवाज नहीं आ रही? यस। ऐसा होता है? यस। बहुत पैसे वाला है, उसकी वाइफ को ड्राइवर लेके जाता है कहाँ शॉपिंग कराने, पैसे ले जा, एटीएम ले जा, ड्राइवर ले जा, चाबी ले जा, मैं नहीं जा सकता, मेरे को बहुत काम है। अब लेके कौन जा रहा है इसको? ड्राइवर। ये साड़ी खरीदने जा रही है, किससे पूछेगी? ड्राइवर। जब वो साड़ी को ऐसे करेगी तो ड्राइवर से पूछेगी, क्यों रामू कैसी लग रही हूं मैं? रामू बोलेगा बहुत जोर लग रही हूं मैडम। घूमने जाना, मसूरी जाना, बोला हमें नहीं, रामू को ले जा। किसके साथ गई? रामू। बीवी किसकी? सही पहुंचे हैं आप, सही। कमा कौन रहा है? एटीएम मशीन। घुमा कौन रहा है? रामू। हेलो yes! परिवार के लिए भाग रहे हो तो परिवार के लिए समय भी चाहिए, और दुनिया का कोई काम समय नहीं देता क्योंकि वो समय लगा के होते हैं। ये अकेला काम है, समय और पैसा दोनों देता है, तो ले लेना चाहिए या नहीं? yes! ले लेना चाहिए या नहीं? yes! उसके साथ एक और चीज देता है ये, जिसके लिए मैंने इस बिजनेस को किया, उसका नाम है सुरक्षा। इसको ध्यान से सुनना, अब तक आपने सुना नहीं सुना, और अब तक आपके मूड में है या नहीं है, पर यहाँ मूड बनेगा आपका। बनाओ। yes! बना दूं? yes! कार में कितने टायर होते हैं सर? 4। और बाइक में? 2। बाइक में कितने होते हैं? 2। और कार में? 4। सही है, एक स्टेपनी भी होती है। बाइक में 2 होते हैं, घिसा हुआ कौन सा होता है? पीछे वाला।
क्यों? कार में चार होते हैं, घिसा हुआ कौन सा होता है? आगे वाला। क्यों? लोड की वजह। यस नो? यस। तो हम सब अपने परिवार के गाड़ी के वही वाला पहिया है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा लोड है, तो इसका मतलब हम घिसे हुए हैं, और घिसे हुआ कभी भी फट सकता है, कभी भी तार बाहर आ सकते हैं उसमें से। यस नो? यस। और कईयों के तो आ गए हैं उसमें चेपी लगा के चला रहे, डॉक्टरों ने इधर चेपी लगा रखी है, उधर लगा रखी है, क्योंकि तार तो निकल आए थे, हमने दोबारा सुन दिए, पर टायर तो दोबारा फट सकता है। आया ना? Yes. फट सकता है कि नहीं फट सकता? Yes. दुनिया का कोई भी काम आप चेक करिए, क्या वो आपके परिवार को ट्रांसफर होता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक प्रिंसिपल साहब हैं, कौन है, 1,00,000 रुपए सैलरी लेते हैं, बढ़िया सैलरी है, और स्कूल में रुतबा भी है, प्रिंसिपल साहब आ रहे हैं, उनकी वाइफ आ जाए तो आज मैडम आई है, कुछ चाय नाश्ता करो, मैडम का ये करो वो करो, होता है ऐसा? Yes. पर एक रियल घटना जज्जर की बता रहा हूं मैं आपको, प्रिंसिपल साहब एक रोड एक्सीडेंट में मारे गए, क्या मैडम प्रिंसिपल लग सकती है? नो no. क्या मैडम को 1,00,000 रुपए आएगा? No. आएगा? नो no. अरे इस पद को पाने के लिए 40 साल लगाए थे प्रिंसिपल साहब ने, कहां गए वो 40 साल, कहां गई वो पढ़ाई, कहां गई वो नॉलेज? साथ ले गए। प्रिंसिपल छोड़ो, टीचर नहीं बन सकती। हेलो? यस। पर कमाल का काम दे गए प्रिंसिपल साहब, इनकी मैडम उसी स्कूल में पानी मिलाती है, वही जूनियर स्टाफ जो मैडम गुड मॉर्निंग करके उसका अभिवादन करता था, वही जूनियर स्टाफ उसको गाली भी निकाल सकता है, गिलास ढंग से साफ नहीं कर सकती। हेलो? यस। क्या गुजरती होगी प्रिंसिपल साहब पे कि तुम गए हमें भी ले जाते, हमारी यहाँ क्यों बेइज्जती करवा रहे हो उनके साथ? पर प्रिंसिपल साहब को आरसीएम समझ में आया नहीं, नहीं आया समझ, आता प्रिंसिपल साहब है, और ये जो साहब लगता है ना पीछे, बहुत खतरनाक चीज। हेलो? यस। गाजियाबाद में एक एसएचओ साहब थे, तो मैडम भी ठीक ठाक रही होंगी। यस नो? यस। मेस में खाना बनाती है 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम, कौन बना रही है? एसएचओ साहब की साहबनी। अब क्या रह गई, कहां गई डिग्री, कहां गई टोपी, कहां गया डंडा, कहां है? मुझे एक बात का जवाब चाहिए, मुझे नहीं समझाना आपको आरसीएम, ना तुम्हें समझ में आएगा, मुझे इस बात का जवाब दे दो कि जो आप हो वो आपके बच्चों को ट्रांसफर है? नहीं। है आपकी डिग्री, आपकी नॉलेज, आपकी हाइट, आपका टैलेंट, आपका कुछ भी नहीं। फिर क्यों नहीं आरसीएम, फिर क्यों नहीं? अभी कोरोना में अक्टूबर की घटना है, ल्यूमिनेक्स कंपनी का मालिक जीएम को 5,00,000 रुपए मिलते थे, 3,00,000 रुपए के बंगले में रहता था, 3,00,000 रुपए रेंट था उस बंगले का, और जीएम साहब की सैलरी कितनी थी? 5,00,000। 5,00,000। मानेसर में है कंपनी, कहां है? सही है? हेलो? यस। और गाड़ी थी बीएमडब्ल्यू, कैसी लाइफ होगी? 5,00,000 में तो मजे आ रहे होंगे, हाँ कि ना? यस। कोरोना लेगा जीएम साहब को, अकेले नहीं लेगा, बेटे को भी लेगा, अब पीछे बची है वाइफ और एक बेटी, क्या इनकी पत्नी जीएम लग सकती है उस कंपनी की? नो। चपड़ासी नहीं लगाएगी वो कंपनी इसको, क्या नहीं लगाएगी? गोल्ड बेच बेच के गुजारा कर रही है, रोड पे है, और कब तक बेचेगी गोल्ड, क्योंकि एक लिमिट है वो भी, आया ना? यस। पर जीएम साहब को आरसीएम समझ में नहीं आया। आया होगा? नहीं आया होगा, नहीं आया होगा। और यहाँ अगर सुनील शर्मा स्टार एमराल्ड है, और अगर परमात्मा को मन कर जाएगा तू आ जा बेटा, तो ये स्टार एमराल्ड मैडम को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अकेला मैं स्टार एमराल्ड नहीं हूं, मेरी नॉमिनी भी स्टार एमराल्ड है, मेरा बच्चा भी स्टार एमराल्ड है, और ये धरती से जाएगा तो क्राउन से पहले नहीं जाएगा, और कितने क्राउन बना के जाएगा तो मैडम क्या बनेगी? क्राउन। और बच्चा क्या बनेगा? नहीं करना चाहिए आरसीएम।